आवाज नहीं थी। यस, फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। मैं सुनील जांगेड, आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश अड्डा पे, और 150 कॉमन मिस्टेक्स में आज जो है 6 लेक्चर आप लोगों के सामने है। तो बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है। 5 लेक्चर्स आप लोगों के ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 लेवल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ इजी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए थे और कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे। आज की जो ये वीडियो है 6 लेक्चर है और आज की वीडियो में काफ़ी अच्छे केसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जल्दी जल्दी कनेक्ट कर लो भाई, जल्दी जल्दी कनेक्ट कर लो। संजू, रुकेश, रमेश, जसवंत, बहुत बढ़िया, सभी को कनेक्ट कर लो, फटाक से कनेक्ट कर लो। 2-3 मिनट आप लोगों के पास हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो और फिर उसके बाद जो है हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। लेक्चर को हम आज की क्लास में क्या क्या सेंटेंसेस रहेंगे उसको डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी कनेक्ट कर लो, सभी को शेयर कर दो फटाक से एक बार। देखना जरा भी होता क्या है ना कि काफ़ी अच्छे केसेस आपकी क्लास आज की क्लास में आप लोगों के सामने रहेंगे और हाई लेवल के ही क्वेश्चन है। और इसके बाद एक और सेशन आप लोगों के लिए आने वाला है, वेरी हाई लेवल के क्वेश्चंस जिसमें हम डिस्कस करेंगे। मुलायम यादव, बहुत बढ़िया भाई। हनुमान, जल्दी जल्दी कनेक्ट कर लो भाई, जल्दी सभी को इनवाइट कर लो। काफ़ी दिनों बाद आज आपके सामने मैं क्लास लेके आया हूँ और कंप्लीट इस हफ्ते में पूरे आपके सामने वीडियोस रहेंगी और फिर जो है प्रेपोजिशन की वीडियो भी अब लगातार आप लोगों के सामने जो है एक हफ्ते बाद वीडियो आज की आई है। लेकिन इसके बाद जो है रेगुलर वीडियोज़ जो है आप लोगों को मिलेंगी। वोकैबुलरी की एक वीडियो आज की क्लास में आप लोगों को मिल ही चुकी है। जल्द ही ये सीध जितने भी सेशन हैं 150 कॉमन मिस्टेक्स में इनको भी हम कंप्लीट करेंगे। और प्रेपोजिशन का जो चैप्टर है, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो प्रेपोजिशन जिनको कंप्लीट करनी है, तो प्रेपोजिशन को भी अब रेगुलर मोड पे हम क्लास लेंगे तो प्रेपोजिशन को भी कंप्लीट कर लेंगे। बहुत बढ़िया, अनन्य यादव, राज रतन, ठीक है, जल्दी से कनेक्ट करो। फर्स्ट सेंटेंस फिर आपके सामने आएगा। देखो जरा भाई, फर्स्ट सेंटेंस मैं आपको कह रहा हूं, आई विल आस्क यू इन केस आई नीड हेल्प, ये फर्स्ट सेंटेंस है। सेंटेंस देखो, सेंटेंस को देख के मुझे बताओ क्या एरर है, सेंटेंस में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो सब बताना है। आई विल आस्क यू इन केस आई नीड हेल्प, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस सेंटेंस में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। इंक नहीं है भाई, यस श्याम कुमार, देखो जरा फर्स्ट सेंटेंस ही आप लोगों के सामने है। देखो सबसे पहले तो इस सेंटेंस को चेक करो, जैसा कि आप देख पा रहे हो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, एक क्लोज ये है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के मिलने से क्या बनता है, क्लोज बनता है। और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक क्लोज ये है, ठीक है, और इन दोनों क्लोजेस के बीच में ये जो आप लोगों को मिली हुई है ये इन केस नाम का वर्ड नेचर में क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। इन केस नाम का वर्ड क्या है, कंजंक्शन है। सबसे पहले तो इस सेंटेंस को मैं इंप्रूव कर देता हूं। यस, जो है क्लासेस अब डेली रहेंगे, 15 डेज तक आप लोगों की क्लासेस बैक टू बैक रहेंगी। देखो जरा इस सेंटेंस को चेक करो, आई विल आस्क यू इन केस आई नीड हेल्प। सबसे पहले तो मैं इस सेंटेंस को इंप्रूव कर देता हूं और सेंटेंस हो जाएगा आप लोगों का इंप्रूव करने के बाद, आई विल आस्क यू इफ आई नीड हेल्प, ये आप लोगों के सामने सेंटेंस है। सेंटेंस को इंप्रूव करने के बाद मैंने क्या कह दिया, आई विल आस्क यू इफ आई नीड हेल्प। अब थोड़ा सा डिफरेंस समझो, एक वर्ड आप लोगों के सामने आया है इन केस नाम का वर्ड है, ठीक है, इन केस नाम का वर्ड है। मेक श्योर कि इसको हम यूज करते हैं टू आस्क अबाउट, जब भी बताया जाता है या फिर बात किया जाता है किसके बारे में,
प्रिकॉशंस, जब भी हम प्रिकॉशंस के बारे में हम बात करते हैं, कोई भी सावधानी के बारे में जब हम बात करते हैं, तो प्रिकॉशंस के बारे में हम जब भी डिस्कस करते हैं तो उसी को बताने के लिए हम यूज करते हैं क्या, इनकेस। इनकेस प्रिकॉशंस का मतलब होता है कि जो भी थिंग्स हैं, जो भी बातें हम कर रहे हैं, थिंग्स विच वी डू इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू बी रेडी फॉर फ्यूचर पॉसिबल सिचुएशंस। बहुत शानदार केस रहने वाला है ये आज की क्लास में आप लोगों के सामने। ये देखो जरा, यस बिल्कुल, इन केस में प्रॉब्लम है, समझ लो। सबसे पहले तो इन केस नाम की ये जो कंजंक्शन होती है ना भाई, इन केस का हम यूज क्या करते हैं, टू आस्क अबाउट प्रिकॉशंस। जब भी कोई प्रिकॉशन यानी कि किसी सावधानी के बारे में हम बात करते हैं, अब प्रिकॉशन का मतलब क्या है कि थिंग्स विच वी डू, जो भी बातें जो भी काम हम करते हैं, इन ऑर्डर टू बी रेडी फॉर फ्यूचर पॉसिबल सिचुएशन, किसी भी फ्यूचर की पॉसिबल सिचुएशन से के बारे में रेडी होने के लिए जो भी प्रिकॉशन हम करते हैं, जो भी काम हम करते हैं, उनके बारे में जब भी बात की जाती है तो हम यूज करते हैं क्या, इन केस का यूज किया करते हैं। जैसे एक सेंटेंस में कह रहा हूं, एक सेंटेंस में कह रहा हूं कि आई ऑलवेज टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। एक सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने मेंशन किया, आई ऑलवेज टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। इस सेंटेंस में इन केस नाम का वर्ड कंजंक्शन है और उसके बाद में क्या है, ये इट रेन्स नाम का वर्ड क्लॉज है। अब मैं आपको बता दूं कि ये इन केस इट रेन्स इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू क्या है कि यहां पे बिकॉज इट माइट रेन, इट माइट रेन लेटर, क्योंकि बाद में क्या हो सकते हैं, इट माइट रेन लेटर। अब यहां पे समझो, वो सेंटेंस में बोल क्या रहा है कि आई ऑलवेज टेक एन अम्ब्रेला। अब ये आई ऑलवेज टेक एन अम्ब्रेला नाम का वर्ड जो है ये प्रिकॉशन को मेंशन कर रहा है, ठीक है, ये सावधानी है जो वो कर रहा है कि हमेशा मैं क्या करता हूं, एक अम्ब्रेला टेक करता हूं। इनकेस, इनकेस इट रेन्स नाम का वर्ड ये किसको रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज इट माइट रेन, क्योंकि होने को क्या हो सकती है, माइट रेन, बारिश हो सकती है। तो इस बात को, ये फ्यूचर की पॉसिबल सिचुएशन है और फ्यूचर की पॉसिबल सिचुएशन से जो है प्रिकॉशन के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, आई ऑलवेज टेक एन अम्ब्रेला का जो ये वर्क है, ये एक्टिविटी जो है वो की जा रही है। तो इन केस नाम का जो वर्ड होता है, इन केस हमेशा प्रिकॉशन को बताता है और हम हमेशा कुछ काम हम किया करते हैं ताकि हम जो है फ्यूचर की पॉसिबल सिचुएशन से हम अपने आप को क्या कर सकें, उसके लिए हम जो है रेडी रह सके। तो इस सिचुएशन को बताने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इन केस नाम के वर्ड का यूज कर रहे हैं। अब थोड़ा सा समझो, एक मैं सिचुएशन आपको बता रहा हूं, डू ए इन केस बी हैपन्स इज इक्वल टू क्या होता है, कोई भी हम ए वर्क को करते हैं, किसी एक काम को करते हैं, ए काम को, इन केस क्या होता है, बी हैपन्स। इसका मतलब होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लो, इसका मतलब होता है कि डू ए फर्स्ट, डू ए फर्स्ट, ए को क्या किया जाता है, फर्स्ट, पहले किया जाता है, बिकॉज बी माइट हैपन लेटर। समझ लो थोड़ा सा यहां पे, डू ए इन केस बी हैपन्स, इसका मतलब क्या है कि डू ए काम को जो है हम पहले करते हैं, क्यों, क्योंकि बी जो है माइट हैपन लेटर, क्योंकि बाद में क्या हो सकता है, बी हो सकता है, बी बाद में हैपन हो सकता है, उसी को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डू ए इन केस बी। अब एक बात ये समझो, डू ए इफ बी हैपन्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि हम डू ए काम को किया जाता है, ठीक है, बिकॉज ए काम को करने का रीजन क्या होता है, बिकॉज बी जो है हैज हैपन्ड ऑलरेडी, हैज ऑलरेडी हैपन्ड, हैज ऑलरेडी हैपन्ड,
इफ का मतलब थोड़ा सा समझो, मैंने कहा डू ए इफ बी हैपन्स, डू ए इफ बी हैपन्स का मतलब होता है हम ए काम को करते हैं बिकॉज, क्यों, क्योंकि बी जो होता है वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, बी पहले से ही हैपन हो चुका है, और बी क्योंकि पहले से ही हैपन हो चुका है तो इसके बी के होने के बाद हम किस काम को कर रहे होते हैं, ए काम को कर रहे होते हैं। ये सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है कौन, इफ रिप्रेजेंट करता है कंजंक्शन, और ए को पहले किया जाता है क्योंकि बाद में किसके हैपन होने के चांसेस हैं, बी के हैपन होने के चांसेस हैं, दैट्स व्हाई हम वहां पे कंजंक्शन क्या यूज कर रहे हैं, इन केस का यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे ये प्रिक्योशन हो जाती है। प्रिक्योशन के बाद का रीजन क्या है, क्योंकि हम जो है फ्यूचर में पॉसिबल जो सिचुएशन है उसके लिए अपने आप को खुद को जो है रेडी कर रहे होते हैं। जैसे एक सेंटेंस में आप लोगों को कह रहा हूं, एक सेंटेंस में कह रहा हूं कि लेट्स बाय, बॉटल ऑफ जूस इन केस रोहन कम्स लेटर। ये सेंटेंस को थोड़ा ध्यान में रखो, लेट्स बाय ए बॉटल ऑफ जूस इन केस रोहन कम्स लेटर। बहुत ध्यान से समझना भाई, बहुत लॉजिकल केस है। मैं आप लोगों को यह बता दूं कि 150 कॉमन मिस्टेक्स में लेक्चर 6th आज की क्लास में आप लोगों के सामने है, और ये जो पैटर्न मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये जो सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूं, जब जब एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं तो 99.9% स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से समझने और सीखने की जरूरत है। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आज की क्लास में आप लोग सीख के जाओगे, इस बात को मैं वादा करता हूं। थोड़ा सा ध्यान रखें, यहां पे मैंने कहा लेट्स बाय ए बोतल ऑफ जूस इन केस रोहन कम्स लेटर। यहां पे इन केस नाम का जो ये वर्ड है ना कंजंक्शन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब होता है कि ए जो वर्क होता है ना वो हम पहले करते हैं, क्यों, क्योंकि बी जो वर्क है इन केस के बाद, बिकॉज क्योंकि बी जो हो सकता है वो माइट हैपन लेटर, बाद में होने के उसके चांसेस हैं, दैट्स व्हाई इस फ्यूचर की पॉसिबल सिचुएशन को हैपन होने से पहले हम क्या करने के लिए कह रहे होते हैं, ये फर्स्ट काम करने के लिए कह रहे होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब थोड़ा सा समझ लो, इसका मतलब होता है कि लेट्स बाय अ बॉटल ऑफ जूस नाउ। वो कह रहा है कि आओ जो है बोतल ऑफ जूस को अभी बाय कर लेते हैं, बिकॉज रोहन माइट कम लेटर, क्योंकि रोहन के बाद में कम होने के क्या हैं, बाद में आने के चांसेस हैं, तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को जो है उस फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए रेडी होने के लिए, बी पॉसिबिलिटी जो है, बी जो वर्क है उसके लिए रेडी होने के लिए हम किसको करने के लिए कह रहे होते हैं, ए वर्क को करने के लिए कह रहे होते हैं, क्योंकि मैंने बताया इन केस नाम का वर्ड जब जब यूज किया जाता है, जब सेंटेंस में हम प्रिकॉशंस की हम बात कर रहे होते हैं। तो यहां पे सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट्स बाय अ बॉटल ऑफ जूस इन केस रोहन कम्स लेटर का मतलब है लेट्स बाय अ बॉटल ऑफ जूस नाउ, अभी बोतल ऑफ जूस को परचेज कर लेते हैं, बिकॉज उसके पीछे का रीजन क्या है, बिकॉज रोहन माइट कम लेटर, क्योंकि शायद जो है बाद में रोहन आ सकता है। तो ये आपकी प्रिकॉशन हो गई, क्यों प्रिकॉशन कर रहे हैं, क्योंकि बी जो काम है, बी एक ऐसा काम है जिसके लिए फ्यूचर में पॉसिबल सिचुएशन से हम रेडी होने की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू श्याम कुमार। चलिए नेक्स्ट देखो, एक और सेंटेंस को हम चेक करते हैं। एक सेंटेंस में आपको ये कह रहा हूं, सेंटेंस में कह रहा हूं लेट्स बाय अ बोतल ऑफ जूस इफ रोहन If Rohan comes, ये sentence को देखना जरा, let's buy a bottle of juice if Rohan comes, इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है let's wait and see, वो कह रहा है कि wait and see, पहले wait करते हैं और देखते हैं
क्या देखते हैं, इफ रोहन कम्स, यदि रोहन कम करता है तो क्या करेंगे, वी शैल बाय अ बोटल ऑफ जूस, वी शैल बाय अ बोटल ऑफ जूस एंड इफ ही डज नॉट कम, एंड इफ ही डज नॉट कम वी शैल नॉट. ये रिप्रेजेंट करना ये चाह रहा है. इफ नाम की वर्ड जो है, इफ जो कंजंक्शन होती है, इफ कंजंक्शन ऑफ कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है, कंडीशन को बताने वाली ये कंजंक्शन है. जब मैं कह रहा हूं कि लेट्स बाय अ बोटल ऑफ जूस इफ रोहन कम्स, इसका मतलब है कि लेट्स वेट एंड सी, वेट करते हैं और देखते हैं, इफ रोहन कम्स, यदि रोहन आता है तो हम क्या करेंगे, वी शैल बाय अ बोटल ऑफ जूस, यदि रोहन कम करता है तो हम बाय करेंगे बोटल ऑफ जूस, एंड इफ इट डज नॉट कम, और यदि रोहन नहीं आता है तो वो क्या नहीं करेंगे, बाय नहीं करेंगे. वही मैंने किस में बताया, डू ए इफ बी हैपन्स का मतलब मैंने कहा, डू ए को किया जाता है बिकॉज बी हैज ऑलरेडी हैपन्ड, क्योंकि बी ऑलरेडी क्या हो चुका होता है, हैपन हो चुका होता है, तब जब बी काम पहले हो चुका होता है तो हम किसको करते हैं, ए को करते हैं. क्यों, क्योंकि यहां पे भी देखो, इफ रोहन कम्स, पहले ये काम होगा, यदि ये ऑलरेडी हो चुका होता है तो फिर किसको किया जाता है, इस काम को किया जाता है. जबकि यहां पे लेट्स बाय, यहां पे जब मैंने इन केस लिखा था तो ये इन केस क्यों हो, कब यूज होता है, इन केस बताता है कि ये काम प्रिक्यूशन के तौर पर किया जाता है, पहले ए काम को किया जाता है. क्यों, क्योंकि यहां पे फ्यूचर में आने वाले सिचुएशन के लिए रेडी होने के लिए, ये काम जो होगा ये बाद में होने के चांसेस हैं इसके. इन केस का मतलब, इन केस रोहन कम्स का मतलब है बिकॉज रोहन माइट कम लेटर, क्योंकि बाद में रोहन के आने के क्या है, चांसेस हैं, और उन चांसेस से पहले ही वो क्या कर रहे हैं, प्रिक्योशन कर रहे हैं, लेट्स बाय अ बोटल ऑफ जूस. यहां पे इस तरीके से इन केस नाम का वर्ड जब जब आ जाता है तो पहले ए काम जो है वो पहले किया जाता है, उसके पीछे का रीजन होता है बिकॉज बी माइट हैपन लेटर, क्योंकि बाद वाला जो एक्टिविटी होती है, इन केस के बाद की जो एक्टिविटी होती है उसके बाद में हैपन होने के चांसेस हैं, वो हैपन हो सकता है, तो बाद में जो एक्टिविटी है उसको हैपन होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो उससे पहले कौन सा काम किया जाता है, ए काम किया जाता है. जबकि मैं कहता हूं यदि डू ए इफ बी हैपन्स का मतलब होता है पहले ऑलरेडी जो है बी काम होगा, और यदि बी हो जाता है तो फिर क्या होता है, जो है ए काम हैपन हुआ करता है. जैसे एक सेंटेंस मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि when I am 30, या फिर मैं कहूं if you work hard you will get success. अब पहले कौन सा काम हो रहा है, इफ के बाद का जो क्लोज है ना, यदि आप वर्क हार्ड करते हैं तो फिर कौन सा काम हैपन होगा, वो बाद का काम, गेट सक्सेस करने का काम जो है आपका हैपन होगा. ठीक है, तो ये सिचुएशंस आप लोगों के सामने मैंने मेंशन करने के लिए बताई हैं. अभिषेक कुमार मिश्रा, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूं. चलिए कुछ और सेंटेंस हम देखते हैं. आई एम टेकिंग एन अम्ब्रेला इन केस. चलिए और सेंटेंसेस कुछ मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूं. रिप्लाई करना मुझे, लाइक करते चले जाओ, शेयर करते रहो भाई, ये काम करते रहा करो. एक सेंटेंस यहां पे देखो, I am taking an umbrella in case it rains. ठीक है, और सेंटेंस में कह रहा हूं I open the umbrella if it rains. ये दोनों सेंटेंसेस में फर्क देखना. दो सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने मेंशन किए, विकास कुमार, अमित, प्रेपोजिशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अमित भाई अभी जो है इस वीक में, जो भी प्रेपोजिशन की क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएंगी, उसके बारे में बेफिक्र रहें, क्योंकि ये जो 150 कॉमन मिस्टेक्स है पहले इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, वो चीजें भी आपकी कंप्लीट होंगी. देखो ये दोनों सेंटेंसेस में फर्क समझो भाई, दोनों सेंटेंसेस में फर्क क्या है. एक मैंने कहा आई एम टेकिंग एन अम्ब्रेला इन केस जो है इट रेन्स. अब
इन केस इट रेन्स का मतलब क्या है? बिकॉज इट माइट रेन लेटर, क्योंकि ये क्या हो सकती है, बाद में क्या हो सकती है, जो है रेन हो सकती है, बारिश हो सकती है। तो ये फ्यूचर की पॉसिबल सिचुएशन को बताने के लिए, और मैं कह रहा हूं कि फ्यूचर की जो पॉसिबल सिचुएशन है उससे रेडी रहने के लिए हम क्या यूज करने के लिए कह रहे हैं, ये प्रिकॉशन के लिए वहां पर बात हो रही है। आई एम टेकिंग एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक अम्ब्रेला है इन केस इट रेन्स, यदि क्या होती है, रेन होती है। तो ये फ्यूचर की पॉसिबल सिचुएशन है। इससे रेडी होने के लिए, इससे बचने के लिए मैं क्या करने के लिए कह रहा हूं, टेकिंग एन अम्ब्रेला की बात हो रही है। यहां पे एक बात जान लो, यहां पे मैंने बता दिया कि जो ए काम होता है वो पहले हैपन होता है, क्योंकि बाद में इसके होने के क्या है, इसके हैपन होने के चांसेस हुआ करते हैं। यहां पे वो कहना ये चाह रहा है कि फर्स्ट, पहले आई एम टेकिंग एन अम्ब्रेला, वो अम्ब्रेला रखता है क्योंकि इसके चांसेस हैं। लेकिन जब वो कह रहा है आई ओपन द अम्ब्रेला, वो जो है आई जो है ओपन करता है अम्ब्रेला इफ इट रेन्स, तो यहां पे पहले काम कौन हैपन होगा, जब ये हैपन होगा, जब रेन होगी तो वो क्या करेगा, प्रिकॉशन जो है, फिर वो उसके बाद ही वो क्या करेगा, आई ओपन द अम्ब्रेला की बात होगी। पहले ये होगा, बाद में ये होगा। इफ के केस में जो है बी पहले, यदि बी पहले से ही हैपन हो चुका होता है तो फिर हम कहां पे जाते हैं, ए पे जाते हैं। और यहां पे ए पहले किया जाता है इन केस बिकॉज ऑफ, बिकॉज की सेंस को शो करता है, बिकॉज इट रेन्स, इट माइट रेन, क्योंकि बारिश होने के चांसेस हैं, रेन हो सकती है, तो पहले ए होता है और बाद में, क्योंकि इसके चांसेस वहां पे हुआ करते हैं। कुछ और सेंटेंसेस और मैं आपको बता रहा हूं। सेंटेंस है, पीपल इंश्योर देयर हाउसेस इन केस दे कैच फायर। सेंटेंस है, पीपल इंश्योर देयर हाउसेस इन केस दे कैच फायर। एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस मैं कह रहा हूं, पीपल टेलीफोन द फायर ब्रिगेड इफ दे कैच फायर। ये दो अलग अलग सेंटेंसेस फिर से आपके सामने आए हैं। सचिन वर्मा, बहुत बढ़िया भाई सचिन। देखो ये दोनों सेंटेंसेस को समझो। एक सेंटेंस में मैंने कहा है पीपल इंश्योर देयर हाउसेज इन केस दे कैच फायर। अब यहां पे सबसे पहले तो समझ लो, जैसे इन केस आ गया तो इन केस की सिचुएशन में यहां पे ये जो फर्स्ट केस है ना, ये फर्स्ट, ये पहले होता है और ये प्रिकॉशन के तौर पे यूज किया जाता है। क्यों ये प्रिकॉशन की जाती है, क्योंकि ये बिकॉज दे कैच फायर, क्योंकि यहां पे इसके ये जो है ये फ्यूचर की पॉसिबल सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर की पॉसिबल सिचुएशन है, इससे रेडी रहने के लिए पहले वो क्या करता है, पीपल इंश्योर देयर हाउसेज। अब हमें पता है कि सबसे पहले तो पीपल क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं देयर हाउसेज को, अपने घर को वो इंश्योर कर लेते हैं, पहले ये काम होता है। क्यों इंश्योर कर लेते हैं, क्योंकि चांसेस किसके हैं, चांसेस फ्यूचर की पॉसिबल सिचुएशन है इन केस दे कैच फायर, बिकॉज दे कैच फायर, क्योंकि चांसेस हैं कि बाद में इट माइट, दे माइट कैच फायर, क्योंकि बाद में वो कैच फायर कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर की पॉसिबल सिचुएशन को रेडी, इससे रेडी होने के लिए सबसे पहले कौन सा काम किया जाता है, पहले ए काम होता है, क्योंकि जो है ये जो है माइट पॉसिबल, ये हो सकता है। लेकिन जब मैं कह रहा हूं पीपल टेलीफोन द फायर ब्रिगेड, पीपल जो है वो टेलीफोन करते हैं फायर ब्रिगेड को, यदि क्या हो जाती है, दे कैच फायर, उनके जो हाउसेज है वो कैच फायर हो जाते हैं। तो एक बात हमेशा समझ लेना, जब जब हम इफ का यूज करते हैं तो ये जो फर्स्ट, ये जो एक्टिविटी है, यदि ये ऑलरेडी हैपन हो चुकी है तो पहले ये हैपन होती है, तो बाद में रिजल्ट के तौर पे कौन आता है, ये बाद में जो है आप लोगों के लिए रिजल्ट बन जाया करता है, ये रिजल्ट बनता है और फिर ये क्या हो जाता है, ये रीजन बनता है। ठीक है, इफ दे कैच फायर, यदि हाउसेस जो है वो कैच फायर करेंगे, ठीक है, तो पीपल क्या करेंगे, टेलीफोन द
फायर ब्रिगेड। तो फिर वो जो है जाके टेलीफोन करते हैं, फायर ब्रिगेड को टेलीफोन किया करते हैं। तो यहाँ पे इफ नाम का वर्ड ये कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, और इन केस नाम का वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, जो है इन केस नाम का वर्ड जो है प्रिक्योशन के बारे में हमेशा बताया करता है। एक बात और जान लें कि एक वर्ड होता है इन केस ऑफ, इन केस ऑफ, और ये जो इन केस ऑफ नाम का वर्ड है, इन केस ऑफ नाम का वर्ड इज इक्वल टू क्या होता है, इफ को रिप्रेजेंट किया करता है। इन केस ऑफ नाम का जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, जो है इफ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सेंटेंस के तौर पे मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी, देखना एक सेंटेंस मैं आपको कह रहा हूं, इन केस ऑफ फायर ब्रेक ग्लास, ये सेंटेंस को देखना। मैंने कहा कि इन केस ऑफ नाम का वर्ड ये जो है ये क्या होता है, इफ को ये डिनोट करता है, इफ को रिप्रेजेंट किया करता है। ठीक है, निशा जांगड़ा, थैंक यू, विशाल वर्मा और संजू चौधरी। यहां पे मैंने बताया कि एक वर्ड और होता है इन केस ऑफ, और ये इन केस ऑफ फिजिकल टू क्या होता है, इफ होता है। एक सेंटेंस मैंने दिया इन केस ऑफ फायर ब्रेक ग्लास, तो ये क्योंकि इन केस ऑफ फिजिकल टू क्या है, इफ है, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हो जाता है, इफ देयर इज अ फायर ब्रेक ग्लास, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ये इसके इज इक्वल टू है, इन केस ऑफ इज इक्वल टू इफ हुआ करता है। और इन केस मैंने आप लोगों को बताया, जब जब प्रिकॉशन के बारे में हम बात करते हैं, इन केस कंजंक्शन के तौर पे तब यूज की जाती है जब इन केस से पहले मिलने वाला जो क्लोज होता है वो पहले हैपन होता है। क्यों? क्योंकि बी माइट हैपन लेटर, बी के चांसेस है कि बाद में वो हैपन हो जाए, इसीलिए जो है प्रिकॉशन के तौर पे, क्योंकि बाद में बी हैपन हो सकता है, उससे जो एक रेडी, उसके लिए रेडी होने के लिए हम पहले किसको करने के लिए कहते हैं, पहले ए जो है हैपन हुआ करता है। और जब मैं कहता हूं डू ए इफ बी हैपन्स का मतलब होता है यदि बी पहले से ही हैपन हो चुका होता है तो ही फिर जो है कौन जाके घटित होगा, ए घटित होगा, पहले बी ऑलरेडी हैपन हो चुका होगा, बाद में हम ए को वहां पे वर्क में लेके आएंगे। तो ये दोनों अलग अलग बातें मैंने आपको बताई, आई होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, नरेंद्र सिंह वर्मा, वेरी वेरी जो है वेरी नाइस, मैनी स्टूडेंट्स आर गेटिंग नॉलेज रिगार्डिंग इंग्लिश, थैंक यू अकीब रहमानी, थैंक यू नरेंद्र भाई। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, एक सेंटेंस और देखो, आई ऑब्जेक्ट टू टेल देम माय एज, ये सेंटेंस को समझना। एक सेंटेंस में कह रहा हूं आई ऑब्जेक्ट टू टेल देम My age, ये sentence, जल्दी से रिप्लाई करो, सेंटेंस आपके सामने है, आई ऑब्जेक्ट टू टेल देम माई एज। लाइक करते रहा करो वीडियो को और शेयर करते रहा करो भाई, ठीक है। इस सेंटेंस में देखना जरा, यहां पे हम चेक करते हैं आई ऑब्जेक्ट टू टेल देम माई एज, तो सबसे पहले जान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट टू नाम का वर्ड है ना, ऑब्जेक्ट टू नाम का वर्ड है, कुछ सिलेक्टेड फ्रेजेस होती हैं, मैं आपको बता दूं कुछ फ्रेजेस होती हैं, और ये ऑब्जेक्ट टू नाम का वर्ड जो है ये भी उन्हीं में से है, ऑब्जेक्ट टू। ठीक है, आप लोगों को पता होगा यूज टू नाम का वर्ड होता है, इन एडिशन टू करके वर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है, इन एडिशन टू, उसके बाद जो है एक वर्ड हम यूज करते हैं कंड्यूसिव टू नाम का वर्ड होता है, विद ए व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम्ड टू, एवर्स टू, प्रॉन टू, ठीक है, हैव ऑब्जेक्शन टू, बी ऑब्जेक्टेड टू, ये काफी सारे फ्रेजेस हुआ करती हैं, और ये फ्रेजेस जो हैं या तो किसी सेंटेंस में वर्क करती हैं किसका, एडजेक्टिव का वर्क करती हैं, या तो ये सेंटेंस में वर्क क्या करती हैं किसका, वर्ब का वर्क करती हैं। ठीक है, ये जितनी भी फ्रेजेस आप लोगों के सामने हैं सारे की सारी फ्रेजेस जो हैं ये फ्रेजेस या तो एडजेक्टिव का वर्क करती हैं या तो ये फ्रेजेस
जो है वर्ब का वर्क किया करती हैं। चलिए इस सेंटेंस में देख लें, ये जो फ्रेज है सब्जेक्ट आई के बाद में, ये जो फ्रेज है ये फ्रेज किसका वर्क कर रही है? वर्ब का वर्क कर रही है। और इस वर्ब के बाद में आप देख रहे हो कि टेल नाम का जो वर्ड है, टेल नाम का वर्ड ये भी नेचर में क्या है? वर्ब है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ब से पहले ये सब्जेक्ट यूज होता है और वर्ब के बाद में क्या यूज किया जाता है? ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें सेंटेंस में या तो नाउन की रिक्वायरमेंट है या तो जो है प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट होती है। और वर्ब को नाउन बनाने के दो सिंपलेस्ट मेथड क्या होते हैं कि वर्ब को या तो जिरंड में चेंज कर दो या तो वर्ब को इन्फिनिटिव में हम चेंज कर दिया करते हैं, या तो वर्ब को जिरंड में या तो वर्ब को इन्फिनिटिव में हम बदल दिया करते हैं। तो यहां पे इन्फिनिटिव में हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इन्फिनिटिव में तो क्या होगा, 2+V1, फिर से 2 को यूज करेंगे जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट नाम की वर्ब के साथ ऑलरेडी 2 लग के वो क्या बन चुकी है, फ्रेज बन चुकी है। एक बार फिर से 2 नहीं लेके आएंगे, दो प्रेपोजिशन एक साथ यूज नहीं होती हैं। तो सेंटेंस को सही करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, आई ऑब्जेक्ट टू टेलिंग देम माय एज। ये सेंटेंस जैसे ही बोलोगे, अब देखो ऑब्जेक्ट टू नाम का ये वर्ड वर्ब फ्रेज हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, और टेलिंग देम माय एज नाम का जो वर्ड होता है ये कंप्लीट अब आपके सामने क्या बन चुका है, जिरंड बन चुका है। जिरंड क्योंकि नाउन के इक्विवेलेंट होता है, और ये जो टेलिंग देम माय एज नाम का वर्ड है वर्ब के बाद आके अब क्या बन चुका है, ये ऑब्जेक्ट हो चुका होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस आप लोगों के सामने मिल रहे हैं। कोमल वर्मा, थैंक यू नरेंद्र वर्मा, बीइंग अ टीचर आई सजेस्ट यू टू स्पीक इन इंग्लिश, फीलिंग गुड। ओके थैंक यू ब्रदर। चलिए बहुत बढ़िया भाई, देखो नेक्स्ट चेक करो, और सेंटेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं। एक सेंटेंस में आपको कह रहा हूं, ये देखो जरा, If one is made the subject in a sentence, it prevails throughout the whole sentence. It prevails throughout the whole sentence. नरेंद्र सिंह वर्मा ब्रदर, आप कह तो बिल्कुल सही रहे हो कि बींग अ टीचर आई मस्ट स्पीक इन इंग्लिश, बट होता क्या है ना कि काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो चैनल को वॉच कर रहे होते हैं या फिर जो दूसरे बाद में जो व्यूअर्स बनते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऐसा देखा जाता है कि उन लोगों की इंग्लिश की जो कमांड है वो बहुत ज़्यादा इतने अच्छे लेवल पे नहीं होती है। दैट्स वाई जो है यहाँ पे प्रेफर किया जाता है कि थोड़ा हिंदी में हम समझाते हुए बाइलिंगुअल जो है उन स्टूडेंट्स को उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में अवेयर कर दें। यदि सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे उस तरीके से जो है एलिजिबल हों तो फिर मुझे कोई इशू नहीं है इंग्लिश में उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। तो अभी हमारा मेन पर्पज़ सिर्फ यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो जो है यहाँ पे चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाए, और कॉन्सेप्चुअली जब वो अपने एग्ज़ाम में जाते हैं तो फिर इन चीज़ों को अप्लाई भी कर पाएँ। ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की कंफर्टेबिलिटी के लिए वजह से ही सब कुछ हो रहा है, अदरवाइज मुझे कभी कोई इशू नहीं होता है कि मैं टोटली इंग्लिश में जाऊँ स्टूडेंट्स के लिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को समझ में आए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस चैनल से कनेक्ट हो, ये सब बातों को ध्यान में रखते ही बाइलिंगुअल जो है हम लोग इस चैनल पे विजिट करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सेंटेंस एक आप लोगों के सामने, जल्दी से रिप्लाई करो भाई। सर क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लियर ना दिखने की वजह मनीषा कुमारी, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ रीजन जो है वो आपके नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी यहां से बिल्कुल सही चीजें चल रही हैं। देखो जरा इस सेंटेंस में चेक करो, इफ वन इज मेड द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इट प्रिवेल्स थ्रू आउट द होल सेंटेंस। यहां पे हो क्या रखा है ना, इस सेंटेंस में एक वर्ड है आप लोगों को जो मिला हुआ है, वो वर्ड कौन है, थ्रू आउट करके वर्ड है, राइट। थ्रू आउट नाम का जो वर्ड है, मैं आपको बता दूं सबसे पहले, तो ये वर्ड नेचर में क्या होता है, थ्रू आउट नाम का वर्ड नेचर में प्रेपोजिशन होता है,
थ्रू आउट वर्ड जो है वो नेचर में क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। और ये जो थ्रू आउट नाम का वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है होल, या फिर ये कह लो थ्रू आउट जो है रिप्रेजेंट करता है एंटायर को, या फिर थ्रू आउट नाम के वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कंप्लीट होता है। थ्रू आउट नाम का वर्ड मैंने बताया एक प्रेपोजिशन है, और ये जो प्रेपोजिशन है थ्रू आउट करके, इसका मतलब है होल एंटायर, या तो कंप्लीट की सेंस को शो करता है, पूरे को बताता है, संपूर्ण को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पे देखो, प्रिवेल्स नाम के वर्ड वर्ब की यदि मैं बात करूं तो वर्ब ये प्रिवेल जो होती है ना, या तो ये रिफ्लेक्सिव वर्ब होती है, रिफ्लेक्सिव वर्ब जो रिफ्लेक्शन को शो करती है, अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डिमांड किया करती है, अदरवाइज ये प्रिवेल कैसी वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो, ये जो थ्रू आउट नाम का वर्ड मैंने क्या बताया, नेचर में है प्रेपोजिशन। अब ये जो थ्रू आउट प्रेपोजिशन है ना, अब ये प्रेपोजिशन यूज की जाती है किससे पहले, नाउन से पहले थ्रू आउट प्रेपोजिशन को हम यूज किया करते हैं। अब थ्रू आउट जो प्रेपोजिशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, होल को, एंटायर या तो कंप्लीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्योंकि दोनों वर्ड थ्रू आउट और होल सिमिलर मीनिंग को शो कर रहे हैं, दैट्स वाई मेक श्योर कि ये जो प्रेपोजिशन है, क्योंकि ये ऑलरेडी होल को रिप्रेजेंट कर रही है, उसी की सेंस को शो कर रही है, तो थ्रू आउट के साथ ये जो होल नाम का वर्ड है ये आपका क्या बन जाया करता है, अननेसेसरी हो जाता है। क्योंकि थ्रू आउट प्रेपोजिशन जो है, ये थ्रू आउट प्रेपोजिशन होल, कंप्लीट या एंटायर को ही रिप्रेजेंट कर रही है। That's why throughout के रहते इस सेंटेंस में से हम किसको ड्रॉप कर देंगे, होल को ड्रॉप कर देंगे, कंप्लीट या एंटायर को ड्रॉप कर देंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, इफ वन इज मेड द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इट प्रिवेल्स throughout द सेंटेंस। ये थ्रू आउट ऑलरेडी किसको बता रहा है, होल एंटायर या तो कंप्लीट को शो कर रहा है। थ्रू आउट प्रेपोजिशन है, प्रिवेल वर्ब मैंने बताया, या तो ये वर्ब जो है रिफ्लेक्सिव वर्ब बनती है जो अपने बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डिमांड करती है, अदरवाइज प्रिवेल इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। इस वर्ब के बाद ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये वर्ब का नहीं, किसका ऑब्जेक्ट होगा, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। और जब थ्रू आउट प्रेपोजिशन पहले से ही होल, कंप्लीट, एंटायर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसके साथ में हम होल नाम के किसी भी वर्ड को यूज नहीं करेंगे। और सेंटेंस देखते हैं, और सेंटेंस ये देखो जरा, एक सेंटेंस में कह रहा हूं, द वुड कटर हैज कट नियरली 100 ट्रीज सिंस लास्ट ईयर। ये एक सेंटेंस मैंने आपके सामने अवेलेबल कराया है। सेंटेंस है, बिल्कुल बिल्कुल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, अकीब रहमानी, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ्स, ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ करते हैं, विशु यादव, ओके। चलिए ये सेंटेंस देखो जरा, ये सेंटेंस को चेक करो, द वुड कटर हैज कट नियरली 100 ट्रीज सिंस लास्ट ईयर। ये सेंटेंस मैंने आप लोगों को अवेलेबल किया है। अब इस सेंटेंस में थोड़ा ध्यान दें, यहां पे एक वर्ड यूज कर रखे हैं 100 ट्रीज, कट नाम का जो वर्ड वर्ब है, इसी वर्ब का क्या होता है जो है ऑब्जेक्ट ये बन गया है, कौन, 100 ट्रीज, ठीक है, इसको समझेंगे। देखो 100 ट्रीज की यदि मैं बात करूं, इससे पहले एक नियरली नाम का वर्ड यूज कर रखा है, और नियरली ये जो वर्ड होता है ना, ये ऑलमोस्ट को रिप्रेजेंट करता है, नियरली इज इक्वल टू क्या होता है, ऑलमोस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और ये वर्ड नियरली नाम का वर्ड हमेशा अपने बाद में एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू की डिमांड किया करता है। मैंने क्या कहा, नियरली जो वर्ड है, नियरली नाम का वर्ड एक एडवर्ब होता है, और ये हमेशा किसी न किसी अप्रोक्सीमेट वैल्यू की डिमांड करता है, कोई ना कोई लगभग एक नंबर को वो अपने बाद में हमेशा चाहा करता है। और इस नियरली नाम के एडवर्ब के बाद में जो वर्ड दे रखा है वो वर्ड कौन है, 100 ट्रीज नाम का जो है वर्ड आप लोगों को गिवन कर रखा है। अब थोड़ा सा ध्यान दें, मैं आपको बता दूं कि 100 होता क्या है, 100 बोलते किसको है, ध्यान रखना किसी भी नंबर के बाद में मिलने वाली जो टू जीरोज होती हैं,
मैंने कहा किसी भी नंबर के बाद में मिलने वाली जो दो टू जीरोज होती हैं, दो जो जीरो होती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, हंड्रेड बोला करते हैं। उसके साथ साथ किसी भी नंबर के बाद में लास्ट में मिलने वाली जो थ्री जीरोज होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, थाउजेंड उसके लिए बोला जाता है। थाउजेंड लास्ट में किसी नंबर के बाद में लास्ट में जो है थ्री जीरोज हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है थाउजेंड को, और किसी भी नंबर के बाद में यदि टू जीरोज अवेलेबल है तो वो रिप्रेजेंट करता है किसको, हंड्रेड को रिप्रेजेंट किया करता है। अब नियरली अप्रोक्सीमेट वैल्यू की डिमांड कर रहे हैं, और हंड्रेड ट्रीज, हंड्रेड तो किसको बता रहा है, लास्ट की टू जीरोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये हंड्रेड ट्रीज तो कोई अप्रोक्सीमेट वैल्यू को नहीं बता रहा है, तो होता क्या है ना कि क्योंकि हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, और इस सेंटेंस को हमें ग्रामेटिकली ओके करने के लिए, देखो ध्यान दो, यदि मैं यहां पर 2579 वगैरह यूज कर लूं, तो 257 के आने से सबसे पहले तो 257 जो ये वर्ड होंगे ये मैथमेटिकल टर्म्स होती हैं, मैथमेटिकली सेंटेंस वहां पे हो जाएगा। लेकिन हम नहीं कह सकते अपनी तरफ से कि मुझे यहां पे नहीं पता है कि 200 ट्रीज की बात चल रही है या 500 की बात हो रही है, मैं तो यहां पे श्योर नहीं हो सकता ना, हमें तो नहीं पता ना कि 200 या 500 की बात हो रही है। और यदि मैं लिखता भी हूं तो वो ग्रामेटिकली सेंटेंस ओके ना होके वो ओके हो जा रहा है किस तरीके से, मैथमेटिकली, और हम श्योर हो नहीं सकते कि 2 या 5 या 7 वो, क्योंकि हमें तो एक्चुअल सिचुएशन का नहीं पता है। तो केस कहता है कि ग्रामेटिकली सेंटेंस को ओके करने के लिए 100 ट्रीज, क्योंकि नियरली नाम का वर्ड एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू की डिमांड कर रहा है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए जो आर्टिकल है, ए आर्टिकल है, उसको जैसे ही हम यूज करेंगे तो तुरंत अब ये सेंटेंस आपका ओके हो जाया करता है। और जैसा कि हमें पता है ए जो आर्टिकल होता है ना वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वन को रिप्रेजेंट करता है। आर्टिकल ए जो होती है वो वन की वीकर फॉर्म होती है, वन की वीकर फॉर्म। मेरा कहने का मतलब है जिस भी सेंटेंस में किसी नाउन से पहले वन यूज हो रखा हो तो वन को यूज ना करके हम उसकी वीकर फॉर्म क्या यूज कर लेते हैं, उसका कमजोर रूप ए या तो एन का यूज कर लिया जाता है। जैसे मैं वन मार्कर ना कह के इजीली यहां पे क्या बोल सकता हूं, ए मार्कर बोल सकता हूं। मैं वन एप्पल ना कह के हम क्या बोल सकते हैं, एन एप्पल का यूज जो है इजीली किया जा सकता है, क्योंकि नियरली नाम का वर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू की डिमांड करेगा, और 100 ट्रीज किसी नंबर के बाद में मिलने वाली टू जीरोज को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स व्हाई इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली ओके करने के लिए हम क्या आर्टिकल यूज कर देंगे, ए 100 का यूज। जैसे ही करोगे, जैसे ही बोलोगे वुड कटर ने कट कर दिए, लगभग 100 ट्रीज को उसने कट कर दिया है, तो तुरंत आपका सेंटेंस ओके हो जाया करता है। और देखो एक सेंटेंस और समझते हैं, चलिए जैसे एक सेंटेंस में कह रहा हूं, My client gave me a check for 1000 rupees. ये sentence देखो जरा, My client gave me a check for 1000 rupees. ये sentence में देखना भाई, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो। ये नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी डाउट वगैरह हो किसी स्टूडेंट के, तो वो डाउट आप डिस्कस कर सकते हो। एक या दो सेंटेंस और मैं आप लोगों को अवेलेबल करूंगा, उसके तुरंत बाद जो भी आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स को हम डिस्कस करेंगे। सेंटेंस आपके सामने मैंने लिखा है, माई क्लाइंट गेव मी अ चेक फॉर 1000 रुपीज। इस सेंटेंस में थोड़ा ध्यान दें कि यहां पे एक वर्ड मैंने क्या लिखा है, 1000 रुपीज, ठीक है। अब मैंने बताया था कि 1000 जो होता है ना, 1000 रुपीज किसी भी नंबर के बाद में मिलने वाली कितनी जीरोज को रिप्रेजेंट करता है, 3 जीरोज को ये रिप्रेजेंट करता है। अब वो कह रहा है कि मेरे क्लाइंट ने मुझे एक चेक दिया है फॉर 1000 रुपीज। अब चेक के लास्ट में यदि लास्ट की 3 जीरोज को मेंशन कर दिया जाए तो शायद उस चेक की कोई वैल्यू तो बेशक नहीं होगी, ठीक है, जब तक कोई नंबर नहीं आ जाता है। तो सेंटेंस को ग्रामेटिकली ओके करने के लिए इस 1000 रुपीज अपने आप में किसी को नहीं बताता है,
चेक की जब भी बात की जाती है तो एक फिक्स अमाउंट की बात होती है, एक फिक्स वैल्यू होती है जो उस पे मेंशन होती है। तो फिक्स के केस में हम क्या यूज कर देते हैं, 1000 रुपीज से पहले भी एक आर्टिकल क्या आ जाता है, ए का यूज कर दिया जाता है। तो सेंटेंस जो बनेगा वो सेंटेंस क्या होगा, माई क्लाइंट गिव मी अ चेक फॉर 1000 रुपीज। जैसे ही सेंटेंस को ओके करोगे तो अब तुरंत ये सेंटेंस सही हो जाया करता है। एक सेंटेंस और देखो, ये सेंटेंस को समझना ध्यान से जरा। कंप्लीट सेंटेंस को आप लोगों ने इंप्रूव करना है और सेंटेंस है, मॉडर्न मैन वाइल सर्च हैप्पी एंड फिजिकल कंफर्टेबल हैव वेंट फार अवे ऑफ ह्यूमैनिटी। ये एक सेंटेंस आपके सामने गिवन है। इस कंप्लीट सेंटेंस को सही करना है और जल्दी से, तो पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि हाउ मैनी एरर्स आर देयर इन दैट सेंटेंस। ठीक है, कितनी एरर हैं आपको फील हो रही हैं जो आप देखते हो कि इस सेंटेंस में इतनी नंबर ऑफ एरर्स हो सकती हैं। तो मुझे जल्दी से पहले तो एक ये बात रिप्लाई कीजिए कि कितनी एरर आपको इस सेंटेंस में फील हो रही है। कुछ स्टूडेंट्स जानते भी होंगे इस सेंटेंस के बारे में, मैंने उन लोगों के साथ डिस्कस भी किया था कुछ दिन पहले, जो आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप जो डिज़ाइन कर रखा है उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने इस सेंटेंस को आप लोगों को अवेलेबल भी कराया था। तो कुछ स्टूडेंट्स तो बेशक इसके बारे में जानते होंगे, जो नहीं भी जानते हैं तो वो बताएं, जल्दी से रिप्लाई करके एक बार मुझे बताओ भाई, जल्दी से रिप्लाई करो। थ्री एरर्स देखो, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। होता क्या है ना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस सेंटेंस में, बहुत ध्यान से समझना भी, बहुत ध्यान से समझना, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स भी कलेक्ट करके रखें। इस सेंटेंस के तुरंत बाद में आपके जितने भी डाउट्स हैं वो डिस्कस कर लिए जाएंगे, वो डाउट्स ले लिए जाएंगे। देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत शानदार सेंटेंस है अपने आप में ये। ये जो वर्ड है मैन नाम का वर्ड, बेशक नेचर में नाउन है, और ये नाउन जो है बेशक सेंटेंस का सब्जेक्ट बना हुआ है, और मॉडर्न नाम का जो वर्ड है ना वो मैन नाम के नाउन की क्वालिटी को बताने के लिए क्या बना हुआ है, एडजेक्टिव बना हुआ है। और ये मॉडर्न क्योंकि मैन नाउन की क्वालिटी को बता रहा है जो सब्जेक्ट बना हुआ है, क्योंकि नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव बना हुआ है तो इस मैन को डेफिनेट बनाने के लिए, एडजेक्टिव क्योंकि इससे पहले आ गया है तो नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए सबसे पहले तो हम ऐसी कंडीशन में क्या यूज करते हैं, कोई ना कोई आर्टिकल का यूज किया करते हैं। जब भी किसी सब्जेक्ट के तौर पे आपको कोई भी नाउन मिला हुआ है, सिंगुलर या प्लूरल, उससे पहले कोई भी एडजेक्टिव आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में किसी डेफिनेट पर्सन के बारे में वहां पे बात हो रही होती है, किसी डेफिनेट नाउन के बारे में हम वहां पे बात कर रहे होते हैं, और ऐसे सिचुएशन में उस नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज किया करते हैं। ठीक है, आर्टिकल का यूज किया करते हैं, आर्टिकल द आया करता है, वो मैंने आप लोगों के सामने जो है मेंशन कर दिया। ओके, फिर उसके बाद देखो, व्हाइल नाम का वर्ड क्या है, प्रेपोजिशन, और सर्च नाम का वर्ड क्या है, यहां पे सर्च नाम का वर्ड वर्ब है। अब हमें पता है कि प्रेपोजिशन जो यूज होती है, प्रेपोजिशन किससे पहले यूज करते हैं, नाउन से पहले यूज किया करते हैं, तो इस वर्ब को नाउन बनाने के लिए हम जान रहे हैं, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, तो नाउन जो होगा वो नाउन क्या होगा, जो है सर्चिंग नाम का वर्ड जो है नाउन हो जाएगा। अब थोड़ा सा याद करो, प्रेपोजिशन प्लस ये जिरण नाउन है, प्रेपोजिशन प्लस नाउन, ये जो फ्रेज होती है प्रेपोजिशन प्लस नाउन के मिलने से जो फ्रेज बनती है, या तो वो एडजेक्टिव का काम करती है, या तो वो किसका काम करती है, एडवर्ब का काम करती है। तो ये मॉडर्न मैन वाइल सर्चिंग, ये मॉडर्न मैन वाइल सर्चिंग नाम की फ्रेज किसका वर्क कर रही होती है, एडजेक्टिव का काम कर रही होती है, और हम जानते हैं कि एडजेक्टिव जो है ये हैप्पी नाम का वर्ड भी नेचर में क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। अब हमेशा ध्यान रख लेना कि टू एडजेक्टिव्स कांट बी यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में दो एडजेक्टिव्स जो है
वो एक साथ यूज नहीं किए जाते हैं। तो ये जो एडजेक्टिव है, बेशक ये एडजेक्टिव की क्वालिटी ना बता के ये नाउन की क्वालिटी को बताएगा। तो सेकंड एरर ये हो चुकी थी। अब यहां पे नाउन बनाने के लिए हमें पता है कि जो नाउन होता है वो नाउन कौन होता है, हैप्पीनेस नाम का वर्ड नाउन हुआ करता है, हैप्पीनेस। अब ये हैप्पीनेस नाम का वर्ड नाउन हो गया और ये थर्ड एरर आपकी हो चुकी है। अब ध्यान रखें कि एंड जो वर्ड है ना, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, एंड कंजंक्शन होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और ये वो कंजंक्शन है जो एडिशन को शो करती है, एडिशन को शो करती है। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले, क्योंकि सेम रैंक को जोड़ा जाता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा, तो एंड से पहले जब हैप्पीनेस नाम का वर्ड नाउन है तो हमें बाद में भी क्या चाहिए होता है, कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बाद में भी नाउन चाहिए होता है। और ये जो ए बी एल ई जो लेटर्स होते हैं ना, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ये लेटर्स मिल जाते हैं तो ये लेटर्स उस वर्ड को एडजेक्टिव बना देते हैं। जबकि हमें यहां पे कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले ये नाउन दे रखा है, तो बाद में भी क्या चाहिए होता है, बाद में भी हमें नाउन की डिमांड होती है। तो इसको नाउन बनाने के लिए ना भाई, हम फिजिकल कंफर्टेबल ना कह के क्या कहेंगे, फिजिकल कंफर्ट हम बोलेंगे। अब ये जो फिजिकल कंफर्ट नाम का वर्ड हो चुका होता है, ये क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। और ये कौन सा नाउन हो गया, सेकंड नाउन। एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ने दो डिफरेंट नाउन सेम रैंक, सेम इक्वल रैंक को कनेक्ट कर दिया है। ओके, अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि प्लूरल वर्ब है, जबकि मॉडर्न मैन नाम का वर्ड कौन है, ये सब्जेक्ट नाउन सिंगुलर है, क्योंकि मॉडर्न मैन ही वाइल सर्चिंग हैप्पीनेस एंड फिजिकल कंफर्ट, और ये जो मॉडर्न मैन है यही क्या हो गया है, हैव वेंट फार अवे ऑफ ह्यूमैनिटी हो गया है। सब्जेक्ट तो मॉडर्न मैन है ना, तो इस जो मॉडर्न मैन नाम का सब्जेक्ट है ना भाई, सिंगुलर, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि वर्ब भी कैसी यूज होगी, सिंगुलर वर्ब हैज का यूज करेंगे। और हैज हेल्पिंग वर्ब अपने साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की डिमांड करता है, तो ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई है, जो है वेंट की जगह गोन आ जाएगा। अब देखो ये थर्ड एरर थी, ये आपकी फोर्थ एरर होगी, राइट। ये आपकी कौन सी एरर हो गई है, फिफ्थ एरर हो गई है, राइट। और जो है हैज के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो कौन आएगा, गोन आएगा, तो ये कौन सी एरर हो गई है, ये सिक्स्थ एरर हो गई है। और आगे बढ़ते हैं, फार अवे। अब ये जो फार अवे नाम का जो वर्ड है ना भाई, फार अवे अपने साथ हमेशा प्रेपोजिशन जो है वो ऑफ की डिमांड ना करके, डिमांड जो करता है वो प्रेपोजिशन क्या चाहता है, फ्रॉम चाहता है। ओवरऑल यदि मैं इस सेंटेंस को इंप्रूव करूं, तो इस सेंटेंस को इंप्रूव करने के बाद सेंटेंस क्या बनेगा वो देख लें। द मॉडर्न मैन वाइल सर्चिंग, happiness and physical comfort has gone far away from humanity। इस तरीके से ये आपका सेंटेंस जो है ओके हो जाता है। एक मिनट दिखाना सर। इस तरीके से सेंटेंस आपका ओके हो जाता है भाई। यस, अब इस सेंटेंस को देखो, इस सेंटेंस में थोड़ा सा ध्यान दें, तो मैंने बताया मैन नाउन से पहले ये मॉडर्न एडजेक्टिव आ गया, डेफिनेट बनाने के लिए सब्जेक्ट को हमने आर्टिकल द का यूज किए, ठीक है। वाइल प्रेपोजिशन के बाद जिरन केस आता है, तो जिरन केस जो है ये सर्चिंग हो गया, और प्रेपोजिशन प्लस नाउन ये एडजेक्टिव फ्रेज बन जाती है, मॉडर्न मैन वाइल सर्चिंग। और एडजेक्टिव हमेशा अपने बाद किसको क्वालिफाई करता है, नाउन को। तो ये जो नाउन है, ये नाउन फिज हैप्पी नाम के एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए मैंने क्या कहा, हैप्पीनेस नाम का नाउन कहा। अब ये थर्ड एरर होगी, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इक्वल रैंक को, सेम रैंक को कनेक्ट करने का काम करती है। एंड से पहले जब ये नाउन है तो एंड के बाद में भी क्या होगा, नाउन होगा। तो ये नाउन बनाने के लिए, फिजिकल कंफर्टेबल को नाउन बनाने के लिए मैंने क्या कह दिया, फिजिकल कंफर्ट। तो ये कौन सी एरर हो गई है, फोर्थ। फर्स्ट एरर ये थी, वाइल के बाद सर्चिंग, सेकंड एरर ये, थर्ड ये, फोर्थ ये बन गई है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, फिफ्थ एरर हैज हो गई है। हैज के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आती है वो कौन हो गई है, गॉन हो गई है, ये आपकी सिक्स्थ एरर हो गई है। और फार अवे अपने साथ एक प्रेपोजिशन क्या चाहता है, फ्रॉम के डिमांड करता है, तो ये कौन सी एरर बन चुकी है आपकी, सेवंथ एरर हो चुकी है, ठीक है। लक्ष्मण सिंह,
तो इस तरीके से ये सेंटेंस आपका हो जाता है। तो यही तो मेथड है जिसको जानना और समझना है, यही तो तरीका है जिसके बारे में, जिसके लिए मैं आप लोगों को जो है इतना सब कुछ हम कर रहे हैं, इतना सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं। यही वो सिचुएशंस हैं जो मैं चाहता हूं कि जिसको आप जाने समझे देखें और जो है लॉजिकली चीज़ों को जो है डिस्कस इस तरीके से हम करें, और ताकि हर चीज़ क्लियर हो, हर चीज़ के आने का जो रीज़न है उसको रीज़न के अकॉर्डिंग चीज़ों को देखना और पहचानना सीखें, तब आप पाओगे कि बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट आपकी लैंग्वेज में होगी, काफ़ी अच्छी कमांड होगी और फिर ज़्यादा परेशानी आपको नहीं आएगी। एग्ज़ाम आप मर्जी कोई भी दे रहे हो, जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक वगैरह से है, एसएससी से है या फिर डिफेंस के स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बता दूं कि कभी भी अलग अलग सिलेबस नहीं होता है, पोर्शन कभी भी अलग अलग नहीं होता है। इंग्लिश लैंग्वेज है, एक ही मेथड है, एक ही तरीके से सिस्टमैटिकली यदि हम उसको समझें तो बात बन सकती है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये सब चीज़ें। तो लॉजिकली उसको ध्यान से देखना है और समझना है, ठीक है। नरेंद्र सिंह वर्मा, ओके ओके, ठीक है। संजय, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। संजीव, थैंक यू भाई, थैंक यू संजीव, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते रहें, चीज़ों को कनेक्ट करते रहें। कल भी मैं लाइव आऊँगा, कल दिन में आपको इवेंट मिल जाएगा चैनल पे, और 8:30 या 9 बजे हम लाइव आएंगे कल की क्लास में। 1-1.5 घंटे की क्लास कल हम रखेंगे। इस तरीके से हर रोज़ मैं लाइव आता रहूँगा, और ये कल जो है नेक्स्ट पोर्शन इसी का 150 कॉमन मिस्टेक्स का लेक्चर 7 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रेपोजिशन लेक्चर को भी जल्द ही मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करवाऊँगा, ठीक है। रीज्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है, रीज जो है ट्रांजिटिव वर्ब ही हुआ करती है, ठीक है। अभी तो पटना से कल ही तो आया हूँ भाई संजीव कुमार, ठीक है, अभी तो पटना से आया हूँ कल जो है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कल की क्लास में फिर से हम वीडियो को रखेंगे, और ये आप देख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर और कमेंट करते रहा करो, क्योंकि ये जो है ये मोटिवेशन आप लोगों से मिलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करोगे, इस चैनल को जितना ज़्यादा आप फैलाओगे, आप लोगों के लिए उतनी ही बेहतर करने की जो मेरी एक सोच है उसको एक बहुत बुलंदी मिलेगी, और मैं बहुत अच्छा आप लोगों के लिए कर जाऊंगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करें, अपने फ्रेंड्स लोगों को जो है ये वीडियो शेयर करते रहें, उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दें। प्रेपोजिशन के 12 लेक्चर हो चुके हैं, 150 कॉमन मिस्टेक्स के 6 लेक्चर्स हो चुके हैं, वोकैबुलरी के 5 लेक्चर वोकैबुलरी के हो गए हैं, वर्ड पावर मेड इजी से, ठीक है। और उसके अलावा कुछ बेसिक्स के वीडियोस भी आप लोगों को इस चैनल पे अवेलेबल ही हैं, आप वो ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हो। तो कल की क्लास में फिर से हम लाइव आएंगे। हाँ बिल्कुल देवराज शाह, बिल्कुल हो जाएगा, और जल्द ही 2-3-4 दिन में मैं जो है एक बैच भी ऑनलाइन जो है बैच भी लेके आ रहा हूँ, और बहुत शानदार तरीके से उसमें जो है देवराज 2 घंटे की क्लास हम हर रोज रखेंगे, 2 घंटे की क्लास, ठीक है। 7 दिन क्लास चलेंगी, और प्लान मैं जल्द ही 2-3 दिन में, कल ही मैं उसका प्लान कर लूँगा। उस बैच के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। प्री प्लस मेंस का बैच होगा, ठीक है, प्री प्लस मेंस का बैच होगा, या फिर कोई भी एग्ज़ाम जो है, कोई भी एग्ज़ाम जो है वो आप उससे कवर कर सकते हो। इंग्लिश के बारे में फिर से आपको कभी लाइफ में, पूरी लाइफ में इंग्लिश सीखने और समझने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस चीज़ का मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, इस चीज़ का मैं आप लोगों से जो है प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप करते रहें। बिल्कुल जल्द ही नरेंद्र, जल्द ही जो है कंजंक्शन पे हम जाएंगे, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, बहुत कुछ उसमें है सीखने और समझने के लिए। कंजंक्शन भी आप लोगों का जल्द ही मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। किसी की कोई डाउट है तो जल्दी से बता दो, उसके बाद अदरवाइज वीडियो को कंप्लीट कर रहे हैं आज के लिए भाई। किसी के कोई डाउट है पर्सनल जो आप डिस्कस करना चाहते हो तो जल्दी से बता दें। यस, है कोई डाउट किसी का? तो मैं आपसे यही कहूंगा कि कल की क्लास में जो लाइव
आज देख रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा को कल की क्लास में इनवाइट करो, ज्यादा से ज्यादा को बुला के लाओ। बहुत शानदार केसेस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, ठीक है। और ये जो सिचुएशन जो मैंने चला रखा है, ये जो पैटर्न जो है 150 कॉमन मिस्टेक्स, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, अपने आप में बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से हम कल की क्लास में आगे बढ़ाएंगे। आई होप जब आपके कोई डाउट नहीं आ रहे हैं, तो चलिए कोई डाउट नहीं है तो यहीं पे वीडियो को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही, एंजॉय। थैंक यू, थैंक यू।